हम इस वक्त मौजूद हैं राजौरी में, जहां पे अमित शाह जी ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो है इस वक्त एक रैली को खिताब कर रहे थे। और रैली ख़त्म होने के बाद जो जनता है तमाम के तमाम वापस आ रही है, और दो कम्युनिटी कहीं ना कहीं प्रयास लगाई बैठी थी, एक पहाड़ी कम्युनिटी जो कि एसटी की डिमांड करके उसके खुशियों के जोर में थी कि आज पहाड़ी कम्युनिटी को एसटी का जो दर्जा है वो यहाँ से अनाउंस किया जाएगा। और वहीं कहीं ना कहीं एसटी कम्युनिटी के कुछ लोग भी आज यहाँ पे पहुँचे थे। और इस वक्त हमारे साथ एसटी प्रोटेस्ट को जो लीड कर रहे थे तनवीर चौधरी जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे आखिरकार क्या आउटपुट आया है रैली का। तनवीर भाई, सबसे पहले वक्त देने के बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आज बड़ी खुशी का दिन है पूरे गुजर बकरवाल समाज के लिए, और मैं कहूंगा जम्मू कश्मीर के पूरे रहने वाले लोगों के लिए। आज होम मिनिस्टर साहब ने राजौरी की धरती पे जो है खिताब किया है पुंछ और राजौरी के आवाम से, हमारी खुशकिस्मती है और हम खुशकिस्मत है कि जिस डिमांड को हम लेके सड़कों पे भी आए थे, होम मिनिस्टर साहब ने हमारी उमंगों का भरपूर ख्याल रखा है और हमारे जज्बात की कदर की है। हम सलाम पेश करते हैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भी और हिंदुस्तान के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी कि उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को वो गाइडलाइंस दे के भेजा यहाँ पे कि यहाँ का गुजर बकरवाल समाज जो है वो मायूस। आउटकम क्या आया रैली का? आप तो अंदर गए हुए थे, तो क्या कुछ होम मिनिस्टर साहब ने क्या कुछ कहा? होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा है कि जो गुजर बकरवाल तबका की रिजर्वेशन है, जो 10% एसटी का कोटा है, उसके साथ किसी किस्म की कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अगर दूसरी पहाड़ी कम्युनिटी को, जो पहाड़ी भाई हैं हमारे, उन्हें दिया जाएगा कोई हक, तो वो उन्हें इससे अलग से दिया जाएगा। तो हम भी यही कह रहे हैं कि हमारे हक के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अगर अलग से दिया जाए तो हमारा पहले से भी कोई एतराज़ नहीं था। आज हम, हमारा तबका, हमारा समाज जो है खुश है। आप देख रहे होंगे गुजर बकरवाल तबका, जो ये हमारे बकरवाल लोग आ रहे हैं, इनके चेहरों पर खुशी है। इस खुशी का वाहिद राज है कि होम मिनिस्टर साहब ने हमारे, हमें जो है आज मायूस नहीं किया है। तो आप आने वाले वक्त में होम मिनिस्टर साहब से गुजर बकरवाल तबके को लेकर आप अक्सर क्वेश्चनराइज करते हैं, आपने राजौरी में भी प्रोटेस्ट किया, पुंछ में भी प्रोटेस्ट किया, तो आने वाले वक्त में आपकी क्या अपील रहेगी मरकजी हुकूमत से? मरकजी हुकूमत से हमारी यही दरख्वास्त है कि जिस तरीके से हमारा तबका, जो गुजर बकरवाल समाज है, हमारे समाज ने हमेशा हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए काम किए हैं। हम जो है कौमी यकजहती में यकीन रखने वाले लोग हैं और आपसी भाईचारा जो है वो हमारा कायम रहना चाहिए। आप ये हमारे देख लें, गुजर बकरवाल समाज के बड़े काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। इन सारे लोगों का एक ही अपील है होम मिनिस्टर साहब से कि आप हमारा ख्याल रखिए, हम आपका ख्याल रखेंगे जब तक सरकार हमारे जज्बात। अगर सरकार आपका ख्याल रखती है, क्या आने वाले वक्त में आप सरकार के साथ इलेक्शन के वक्त बीजेपी के साथ चलने को तैयार हैं? जब सरकार हमारा ख्याल रखेगी तो डेफिनेटली हम भी सरकार का ख्याल रखेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एक गुजर पॉलिटिशियन के नाम से जो पुंछ में जाने जाते हैं तनवीर चौधरी जी, इनसे बातचीत की क्या क्या आउटकम आया है रैली का। तो अमित, इनका कहना है कि अमित शाह जी ने इन्हें पूरा तरह से आश्वासन दिया है क्या पहाड़ी को जो ट्राइब्स का दर्जा दिया जाएगा उसमें इनके जो ट्राइब्स का दर्जा है उसके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं होगी। हमारे मजीद वीडियोज़ देखने का हमारे साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।